अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सहाश व्लॉग। तो आज मैं सुपरमार्केट गई थी, वहाँ मुझे नज़र आ गए ये भुट्टे, तो मैंने ले लिए। वैसे तो हर जगह नॉर्मली मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पर कभी कभी नज़र ही आते हैं, तो आज मुझे बिल्कुल फ्रेश भुट्टे नज़र आए तो मैंने ये ले लिए। तो सोचा आज ये मैं बनाती हूँ ऐसे ही शाम को रिफ़्रेशमेंट के लिए, बच्चों के साथ इंजॉय करेंगे। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों की तरफ भी आ रहा है और ऐसे में भुट्टे खाएं गरम गरम लीमू और मसाला लगा के तो कितना मज़ा आता है। तो मैं अभी बताती हूँ नॉर्मल भुट्टों को घर में किस तरह से हम बिना कोयलों के किस तरह से हम इसको सेक सकते हैं और आराम से बना के खा सकते हैं। तो अभी हम इसको बताएंगे कि नॉर्मली चूल्हे पे किस तरह से पका सकते हैं हम, ठीक है। तो ये पहले मैं इसको इसके ये जो जितने भी पड़ते इस पे चढ़ी हुई हैं, ये इसमें छुपा हुआ है, इसको हम निकालते हैं। ये देखें कितना फ्रेश फ्रेश कॉर्न है, एकदम बहुत ज़बरदस्त सा। और इसके ये बाल ही आपको बता रहे होंगे कि ये कितना फ्रेश है, एकदम यूं ही टूट रहे हैं। तो पहले इसको ये बाहर का जो जितना भी इसका कवर है इसको हटा लीजिए, इसके छिलके जो हैं इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, वरना फिर ये जो जलेगा तो फिर जो है काफ़ी धुआं हो जाता है। और नॉर्मली हम घरों में कोयले वगैरह पे बना लेते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बाहर मुल्कों में जैसे कि यहाँ पे हम लोग पकाते हैं और थोड़ा सा भी धुआं हो गया घर में तो फायर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए एहतियात करनी है काफ़ी। ये जितने भी इसके ऊपर बाल हैं इसको हटा लीजिए। ओके, तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से सारे बाल हटा देती हूँ, फिर हम बताते हैं नॉर्मली इसको बनाना कितना ईजी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके छिलके मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप कितना फ्रेश कॉर्न है। तो इसको किस तरह से ईजिली हम लोग बना सकते हैं, तो हम बनाएंगे अपने ओवन पे, ठीक है। ओवन का चूल्हा हम जो है ऑन कर लेते हैं, सेंटर वाला चूल्हा जो कि सबसे बड़ा होता है हम उसको ऑन करेंगे, ताकि उस पर जो है हम अपने तीनों जो कॉर्न हैं हमारे भुट्टे हैं हम उसको सेक सकें। तो आज हमें तेज़ नहीं रखनी है, आज हम करेंगे बिल्कुल स्लो। ये देखें ये बिल्कुल स्लो है, अभी नज़र आ रही है आपको, लेकिन हम इसको बिल्कुल स्लो कर देंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसके ऊपर रखेंगे अपने भुट्टे, वन टू, और ये चले हम पहले दो कर लेते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आ सके, ठीक है। तो दो भुट्टों को हम आहिस्ता आहिस्ता इसको हम पलटते रहेंगे, पलटने के लिए जो है आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये गर्म हो जाएंगे, अभी तो ठंडे हैं इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन फिर आप इसको जो है चिमटे की मदद से आप इसको पलट सकते हैं, ठीक है। हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसको पलटना है, इसको घुमाते रहना है ताकि ये हर तरफ से बराबर से सिक जाए, इसके दाने जो हैं अच्छे से पक जाएं। ये देखें फौरन से ही पकना शुरू हो गए और खुशबू बहुत ज़बरदस्ती उठनी शुरू हो गई है इसमें से। तो मैं चिमटा ले लेती हूँ और फिर इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखें ये पकना शुरू हो गए हैं हमारे भुट्टे, इसको हम ऐसे घुमाते जाएंगे और अभी देखिएगा इसके दाने जो हैं वो कुछ कुछ चटकना शुरू हो जाएंगे, फटना शुरू हो जाएंगे, अभी आपको आवाज़ आएगी यकीनन। इसको जलने नहीं दिएगा, ये बराबर से सिकते रहने चाहिए। ये देखें ये हमारे बनना शुरू हो गए हैं, ये देखें आवाज़ आई। जैसे ही ये सारे दाने अच्छे हल्के हल्के ब्राउन और ब्लैक से हो जाएंगे तो फिर ये हमारा भुट्टा तैयार हो जाएगा। इस तरह से इसको घुमाते रहना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि इसका हर दाना जो है अच्छे से सिक चुका है, ये देखें, ठीक है। ये हमारा कॉर्न जो है भुट्टा अच्छे से रेडी हो चुका है, अब हम इस पर मसाला लगाएंगे। जब तक ये जो हमारा एक रह गया था इसको भी हम सेक लेते हैं, फिर तीनों को एक साथ करेंगे। ये भी हमारा हो चुका है, ये देखें, ठीक है। तो बस अब ये खाने के लिए रेडी है, अब इस पर हम गरम गरम भुट्टा है हमारा, इस पर मसाला लगाएंगे जब तक हम इसको भी अपना रेडी कर लेते हैं। कोई 5 से 6 मिनट लगे होंगे इसको रेडी होने में, ठीक है। तो ये भी हो जाए तीसरा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं आप कितना यम्मी किस्म का भुट्टा हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको जो है ऐसे खाली खाली भी खा सकते हैं, लेकिन जिनको ज़रा चटपटा ज़्यादा पसंद है तो उनके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, चाहिए होगी लेमन,
ठीक है, जिस तरह से हम जाते हैं और वो रेडी वाला सेल करता है और बेचता है और ठेले पे बिकते हैं, बाजार के तरीके से मैं बताती हूँ। तो इसमें आप ले लें थोड़ी सी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, आप चाहें तो नमक काली मिर्च भी लगा सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है। मेरे पास पिंक सॉल्ट है तो पिंक सॉल्ट ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो ब्लैक सॉल्ट या वाइट सॉल्ट जो भी हो वो ले सकते हैं। तो इतना ही मैं वाइट सॉल्ट ले रही हूँ और लूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। अगर आप लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, तीनों जो हैं हम मिकदार हैं सेम मैंने ले लिया है। अब इसको जो है हम पहले मिक्स कर लेंगे, सिर्फ लाल मिर्च और जो नमक होता है जब हम बाहर भुट्टा लेते हैं तो उस पर वो सिर्फ लाल मिर्च और नमक लगाते हैं और यकीन जानिए बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको लगाना किस तरह से है, ये है लेमन, नॉर्मल लेमन लें, इसके सीड्स निकाल दीजिए अगर है तो, ठीक है। इस तरह से लेमन लेना है, इसको यूं मसाले में डिप करना है। ये मसाला इस पे लग गया है जी, यम्मी यम्मी सी स्मेल, वाओ। और गरम गरम भुट्टे पे आप इस तरह से इसको रब कर देंगे, ठीक है। तो खटास, नमक, मिर्च सब कुछ जो है मिक्स होके भुट्टे के अंदर एकदम जस्ट हो जाएगी और इसको खाने का अपना ही एक अलग मजा है। लेकिन इसको खाते वक्त ही इस पे ये लगाइएगा आप लेमन, तो ये जो है बहुत मजा देगा। बच्चों के साथ एंजॉय करें इसको, हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ बना के बाहर ले जाएं, पार्क में बैठें खाएं। अगर आप बारबी करने जा रहे हैं तो साथ में भुट्टे भी ले जाएं, ये भी साइड में रखकर जो है इसको सेकें और फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अच्छे से मसाला लग चुका है, तो आपका यकीनन खाने को दिल तो कर रहा होगा। इसकी शाइन बता रही है कि हर दाने पे अच्छे से लेमन और मसाला लग चुका है। तो मैं तो भाई बेकरार हूँ इसको खाने के लिए और मैं जल्दी से इसको खाती हूँ। और फिर अगर आपको पसंद आए सिंपल सिंपल तो जल्दी से आप भी जाएं और भुट्टा लेकर आएं और घर पे सेकें और बनाएं, एंजॉय करें। तो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।